क्या? ये तो बहुत सारे अस्पताल आप लोगों ने दर्शक देखा होगा, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि अवैध है, कई हॉस्पिटल वैध हैं। हॉस्पिटल क्लिनिक और इमरजेंसी हॉस्पिटल, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इमरजेंसी क्या होती है, ये भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी हम झाझा अपोलो हॉस्पिटल के प्रांगण में हैं, जहाँ क्या कुछ सुविधाएँ हैं, जनता को कितनी माने कम पैसे में, कितने कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकती है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। हम अपने सहयोगी से चाहें थोड़ा बिल्डिंग का एक नज़ारा आपको दिखाएं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। अभी तो झाझा में कल तक हॉस्पिटलों की बहुत कमी थी, लेकिन आज बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं, लेकिन कितने वैध हैं कितने अवैध है तो मैं नहीं बता सकता, प्रशासन का काम है। जिस प्रकार से ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए फार्मेसी, ये अंडर का ये नज़ारा है, एकदम क्लीन। मैं आपको साफ सफाई भी दिखाना चाहूँगा। अमूमन लोगों को अस्पताल जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। ये सेमी रूम, ये प्राइवेट रूम भी यहाँ है, और भी NICU है, ICU है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक जनरल वार्ड का नज़ारा भी हम आपको चाहेंगे कि दिखाएं। देखिए ये कैश काउंटर है यहाँ, अब जो ही आते हैं वहाँ से इन होते हैं, अगर भगवान ना करे कोई इमरजेंसी है तो सबसे पहले यहाँ नीचे ही एक तरह से यहाँ डायरेक्टर और डॉक्टर्स के रूम है, जो तुरंत त्वरित आपको उपचार करेंगे और आपकी जान बचाने का काम करेंगे। यहाँ देखिए ये जनरल वार्ड है, एकदम क्लीन सब। बहुत हम कुछ रोगियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ। जैसा कि कहाँ से आपको मैंने सुविधा कैसी है यहाँ, बहुत अच्छी सुविधा। क्या तकलीफ थी आपको? बच्चा हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? हॉस्पिटल वाले कोऑपरेट कर रहे हैं आपको? क्या नाम है आपका? देखिए एक और हमारे साथ रोगी जुड़ी है, और एक आप कहाँ से आए? रजिला रही है, क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत यहाँ है? खूब पैसा तो नहीं लिया जा रहा है ना, कम पैसे में इलाज हो रहा है लगभग? चलिए देखिए, बहुत ये आपको बताते चलो कि झाझा ऐसे भी हमारा बैकवर्ड इलाका है, और भी बहुत सारी चीज़ें। बच्चा का एक बच्चा भी है। क्या बच्चा? हाँ, एक क्या नाम है बाबू, क्या हो गया था आपको? अब ठीक हो? आपके मम्मी पापा किधर हैं? अच्छा, कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रही मैडम? अच्छा इलाज हो रहा है? अच्छा। क्या नाम है बेटे का, आपका घर कहाँ है? सोहन कुमार, हमको घर रजलावरी। कोई दिक्कत या नहीं? बच्चा का भी इलाज होता है? ऑपरेशन ये देख सकते हैं आप, यहाँ कोई भी इमरजेंसी आते हैं सबसे पहले यहाँ उस पेशेंट को देखा जाता है। डॉक्टर के रूम बगल में ही है, ये मैं देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारी सुविधाओं से लैस, चारों तरफ कर्टेन, चारों तरफ पर्दा लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे ही सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ऊपर का भी नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करें। मैडम, हॉस्पिटल और इमरजेंसी हॉस्पिटल में क्या अंतर है? सर, हॉस्पिटल और इमरजेंसी हॉस्पिटल में कोई अंतर नहीं होता। हॉस्पिटल जो है एक शब्द जिसे हम हॉस्पिटल कहते हैं, वो सारी मेडिकल सुविधाओं को बनके एक हॉस्पिटल बनता है, जिसमें सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं होती है। और इमरजेंसी जिसे कहते हैं, इमरजेंसी जो कि आपातकाल स्थिति है, तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनको हमें पहले से पता होता है, जैसे कि आप मान लीजिए स्टोन हो गया, जिसे पथरी कहते हैं, तो पथरी एक चीज़ है जो बहुत समय से एक इंसान को पता होता है। आपातकाल स्थिति क्या हो गया, अब कोई डायबिटिक पेशेंट है, जैसे उनकी डायबिटीज लो या हाई हो गई, तो तुरंत जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ये एक बेसिक सी जो डिफरेंस है, जो आज भी लोगों को नहीं पता है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अस्पताल एक चीज़ हो गई, मतलब एक जगह है जहाँ पर हर किसी चीज का इलाज होता है, हर प्रॉब्लम। आपके हॉस्पिटल में लोग क्यों आए, कौन सी सुविधा, क्या क्या है आपके यहाँ? हमारे हॉस्पिटल में जो सुविधाएं अब उपलब्ध है, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे दो डॉक्टर से आप ऑलरेडी मिल लिए हैं, 24/7। जी यस, तो हमारे यहाँ पे डे वाइज डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, सारे डॉक्टर्स जो भी रहते हैं वो ऊपर हमारे यहाँ पे रहते हैं हॉस्पिटल में। साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, जो कि स्किन डॉक्टर के नाम से लोग जानते हैं इस जगह पे, वो भी अवेलेबल हैं। जैसे KC शाह, वो आते हैं, जो संडे को आते हैं हमारे यहाँ पे, और ट्यूसडे को अवेलेबल रहते हैं। साथ ही साथ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कि
लेडीज को देखती हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेफरेंस रहता है, जैसे हमारे अवधेश सर भी हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन बहुत सारे लेडीज का प्रेफरेंस रहता है कि वो फीमेल से बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं और उनको दिखाएं, तो वो भी अवेलेबल है। तो जो जिसमें कंफर्टेबल रहता है उस हिसाब से हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि डॉक्टर सीमा है, पटना से आती हैं, और साथ ही साथ राजीव रंजन सर हैं जो डॉक्टर हैं, वो हमारे पटना से आते हैं। तो बहुत सारी सुविधा टाइम टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए सारे डॉक्टरों की एक टीम बना के हमने, कहीं के लोग दो को कुर्सी एक टेबल लगा दिया, अब डॉक्टर हॉस्पिटल बना देते हैं, उसको क्या कहेंगे सर? वो क्लिनिक है, लोगों का आज भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ना चाहते हुए एजुकेशन की कमी है, तो उस चक्कर में लोग समझ नहीं पाते क्लिनिक और हॉस्पिटल में क्या सुविधा है। हर जगह पे क्लिनिक होते हैं और जरूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों दर्शकों जिस प्रकार मैनेजमेंट ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि मंडे हर सोमवार को सिर्फ 20 रुपये में आप अपना इलाज यहाँ अपोलो हॉस्पिटल झाझा में करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि व्यवस्थापक ने कहा, बस स्टेशन से नीचे जो हेला जो चरघारा वाली सड़क है वहीं हॉस्पिटल अवस्थित है, बहुत ही भव्य हॉस्पिटल है। तो आप आइए और हम तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि पहले तो आप बीमार ना पड़े, अगर बीमार पड़े तो अपोलो हॉस्पिटल में आइए, जहाँ जाँच की सुविधा है। अपोलो लैब जो पूरे देश दुनिया में विख्यात है, यहाँ उसका वो जाँच सेंटर है, साथ ही साथ काफ़ी अनुभवी डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं। हम चाहेंगे आप आएँ यहाँ, और हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ कुछ इमरजेंसी हॉस्पिटल हैं जो आपकी ज़िंदगी की रक्षा कर सकता है। देखिए हमारी काफ़ी